मंदसौर जिला, जी हाँ, हम बात करते हैं मंदसौर जिले की, जिसकी प्रसिद्धि देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी जिले का नाम चलता है। एक यहाँ भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ और दूसरा मंदसौर जिले में अफीम की खेती का नाम प्रसिद्ध है। आज हम जिले की प्रसिद्ध अफीम की खेती के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सामान्यतः फसल रवि की फसल है, जिसे नवंबर माह में केंद्र शासन से वित्त मंत्रालय से लाइसेंस देकर के किसानों को अफीम फसल पैदा करने का एक नियमित रकबा दिया जाता है। इसके बाद किसान अपना खेत गहरी जुताई के साथ तैयार करते हैं और अफीम की फसल वह बो देते हैं। इसके बाद इसकी देखभाल मासूम बच्चे की तरह की जाती है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक अफीम लूनी चिरनी के करके किसान अफीम निकालता है और केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग को औसत अनुरूप जमा कर देता है। इन दिनों अफीम अपनी मादकता की बहार पर है। मंदसौर जिला, जहां पूरे विश्व में काले सोने की खेती अफीम के नाम से विख्यात है, वहीं दूसरी ओर मौसम के अनुकूलता पर फसल को अपने नव यौवन पर लाकर के खड़ा कर दिया है। मंदसौर जिले में अफीम निकालने का कार्य बीच मझधार में चल रहा है। खासकर किसानों को इसकी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंता रहती है। फसल को नुकसान नील गाय व मिट्टू पक्षी से बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही क्षेत्र में अफीम तस्करों की वजह से भी कई किसानों को खेतों से खड़ी फसल को नुकसान कर डोले चुरा ले जाते हैं, जिससे किसानों को औसत अनुरूप अफीम जमा करने में कठिनाइयाँ आती है। अफीम में शासन शाम के समय एक नियमित पके हुए डोले को चीरा लगाया जाता है और सवेरे जल्दी उसे उठ कर के विशेष प्रकार के औजार से एकत्रित किया जाता है, जिसे मालवा क्षेत्र में अफीम लूना चीरना बोलते हैं। पूर्व में अफीम से वेस्टेज डोला चूरी भी अच्छे दामों में राज्य सरकार खरीदती थी, लेकिन वर्तमान में डोला चूरी नहीं खरीदने से तस्कर लोग प्रलोभन देकर के किसानों से खरीद लेते हैं और अफीम तथा डोला चूरी की तस्करी भी की जाती है, जिसके कारण किसानों को भी पुलिस की कार्रवाई से नुकसान होता है और कभी कभी तो NDPS एक्ट में कार्रवाई भी हो जाती है। इस वर्ष मौसम की अनुकूलता सही होने से अफीम की फसल अच्छी पैदावार होने की संभावना है, ऐसा किसानों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। लंबे समय से परंपरा से इस क्षेत्र में अफीम की फसल किसान पैदा करते हैं। अफीम बोने का लाइसेंस जिन किसानों के पास होता है, वह अपने आप को रुतबेदार किसान मानते हैं और अफीम की खेती करते हैं। हालांकि अफीम की खेती से किसानों को अच्छा आर्थिक फायदा मिलता है, लेकिन कभी कभी नुकसान होने पर अपना लाइसेंस बचाने के लिए बड़ा घाटा भी किसानों को उठाना पड़ता है। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की एक विशेष रिपोर्ट। फसल आप तैयार कर रहे हो, हाँ। कैसे क्या तैयारी की जाती है, क्या इसमें पूरा? पहले जुताई करनी पड़ती है, खेत को सुखाना पड़ता है, फिर अन्य प्रकार की खाद वगैरह उर्वरक सबको डालना पड़ता है, उसके बाद में उसको सिंचाई की जाती है। आपके जो फसलों में निगरानी के लिए आपने जिस प्रकार इसको सिक्योरिटी कर रखी है, हाँ। तो क्या जानवर परेशान कर रहे हैं आप? रोजडे परेशान करते हैं। और कौन से जानवर है जो परेशान? नील गाय। कैसे परेशान करी? वो कहीं से भी आके इसमें निकल जाते हैं तो फसल का नुकसान हो जाता है। अन्य फसल को भी ज़्यादा नुकसान करते हैं नील गाय, लेकिन इनको 24 घंटा अफीम के यहाँ भेजना पड़ता है हमको, क्योंकि ये फसल जो है सरकार के माध्यम से हमें पूरा करना पड़ता है, चाहे नष्ट हो जाए या खड़ी रहे। अच्छा अच्छा, इस खेती को आप करते हो तो इस पे जो आपको दवाई वगैरह छिड़काव के लिए की जानकारी वगैरह लेते हो तो क्या मिलती है आपको कृषि विभाग द्वारा जानकारियाँ? कृषि विभाग से भी लेते हैं, ग्राम सेवक को भी बुलाते हैं, कोई अपने लाइसेंस वाले दुकान में जो दवाइयाँ रखते हैं उनको भी बुला के दिखाते हैं इसमें क्या ज़रूरत है, क्या पौधे को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, उनको बुला बुला के उन हिसाब से ट्रीटमेंट करते जाते हैं। कितने दिनों में फसल तैयार होती है? ये फसल तैयार होती है 4 महीने में पूर्ण काम हो जाता है। 4 महीने में हो जाता है।